तो गाइस इस वीडियो में ना हम जानेंगे किस तरह से आप WhatsApp की चैट के बैकग्राउंड में जो है अपनी फोटो आप किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी चैट को जो है ओपन करते हैं तो भी यहाँ पे आपको जो है मेरी फोटो पीछे बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस चलिए जान लेते किस तरह से जो है आप अपने WhatsApp की चैट के बैकग्राउंड में जो है फोटो किस तरह से लगा सकते हैं। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइज आ चुका हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन पे। अभी मैं आपको अपने WhatsApp में दिखा दूँ, यहाँ पे कोई भी जो है फोटो आपको नहीं दिख रही है, तो आपको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, अगर आपके WhatsApp में डार्क मोड इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, WhatsApp को ओपन करने ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चैट्स पे क्लिक करना है, थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपका लाइट वाला सेट है कुछ इस टाइप का तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, आपको डार्क पे क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है। मेरा पहले से ही सेट था। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है डिजाइनर टूल। ये आपको सर्च करना है, आपको ऊपर पहले ही नंबर पे एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, आपको क्या करना है इस एप्लीकेशन को जो अपने फ़ोन में है इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको डायरेक्टली इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मॉकअप ओवरले, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, आपको एक कोई भी अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे फ़ोन में ना बहुत सारी फ़ोटो हैं, तो चलिए मैं एक कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से। जैसे कि मैंने एक ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, अभी मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है मॉकअप ओवरले। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको मतलब ये आपका पहले से ऑन है तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं है तो ऑन कर देना। उसके बाद आपको कुछ ऐसा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्प्ले ओवर द अदर ऐप्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसी ऐप को ढूंढना है, देख सकते हैं डिजाइनर टूल प्रो, आपको इस पर क्लिक करना है, इसे आपको ऑन कर देना है, ये आपको ऑन करना है। उसके बाद आपकी जो फोटो है वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है WhatsApp में, आपको जाना है WhatsApp में। कहाँ है WhatsApp, ये रहा WhatsApp। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे WhatsApp में जो है पीछे बैकग्राउंड में जो भी मैंने फोटो ऐड की हुई है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर मैं किसी चैट के भी अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे भी जो है हमें फोटो दिख रही है। पर गाइस मैंने ना बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए क्यों बोला, अगर मैं आपको यही चीज़ वाइट बैकग्राउंड में दिखाऊँ तो शायद इतनी अच्छी नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। तो चलिए ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, चैट पे क्लिक करते हैं, थीम पे क्लिक करते हैं, और लाइट पे क्लिक करते हैं। तो गाइस कुछ इस टाइप से जो है देखने को मिल रहा है, मतलब ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं लग रहा है, मतलब इस पर ना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, मतलब फ़ोटो तो लगी है पर यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर हम इसे हम ब्लैक में कर देते हैं, डार्क मोड में कर देते हैं, तो यही हमें अच्छे से जो है विजुअल होने लगती है। तो गाइस देख सकते हैं अब यहाँ पे यही चीज़ जो है अच्छे से विजुअल हो रही है, हमारी फ़ोटो बैकग्राउंड में अच्छी तरीके से दिख रही है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कुछ इस तरह से जो आप सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।